जगह का नाम क्या है? क्वादासो। क्या? क्वादासो। क्वादासो थोड़ा जीरो जैसे है ये प्लेस, हड़प्पू जैसे थोड़ा, देखो बहुत सुंदर है। तो अभी हम ये रास्ता से जा रहे हैं, यहाँ में दो दो कुत्ता है, इसे भौंक रहे। तो ये है ईटानगर का सुबह सुबह का नज़ारा, इस तरह दिखते हैं। हम कल शाम आप लोग को यहाँ से ही दिखाया था। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं सेपा की ओर। हम घर से 4:40 को एग्जिट निकला था, अभी 10 मिनट दिया हमें चला है, 4:50 ऐसे हो गया। तो अभी वॉकिंग करने वाला भी यहाँ में एक दो तो दिखाई दिए, ये रास्ता से जा रहे हैं अभी। ये बिल्डिंग के ऊपर में उसमें है पुचल ग्राउंड। कल शाम लड़का लोग खेल रहा था, हम ऊपर से जब देखा था। तो यहाँ से व्यू इस तरह दिख रहा है, ये ऊपर में पुचल ग्राउंड है ऊपर में। तो उसमें आदमी जॉगिंग करने वाले लोग हैं। तो हम 4 बजे को उठा था, 4 बजे उठ के देखा है तो बहुत अंधेरा था, इसलिए हम अंदर में ऐसे रुक के थोड़ा बेहतर रहा था। उसके बाद 4:40 से घर से एक जगह हम निकले। तो अभी यहाँ से उसमें पाइप तारती तक 1 घंटा के अंदर में पहुँच जाना चाहिए। 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 6 बजे से वहाँ से निकलेगा। सेपा जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है। तो यहाँ से व्यू इस तरह दिख रहे हैं, देख सकते हैं व्यू। तो हम उस साइड से आए, तो ऐसे होके यहाँ से जाएगा। ये गाड़ी जाने का रास्ता है और ये पैदल जाने का रास्ता है। और ये हमें एक छोटा सा नदी है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, यहाँ से तो ऐसे दिख रहा है, हम उस साइड से आया था। और रास्ता यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, यहाँ से जाएगा लेकिन हम। तो ईटानगर से सेपा जो 5 घंटा का रास्ता है, 210 ऐसे कुछ किलोमीटर है यहाँ से। तो कल हम कैसे टिकट वो सब लिए आप नहीं दिखाए, तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जो आप देख सकते हैं उसको। कल हम ईटानगर का नाइट व्यू को भी दिखाया था, रात में कैसे दिखता है ईटानगर, उसको कल शाम हम दिखाया था। तो ये है मेन रोड, जो हम ये रास्ता से आए। और ये आरके मिशन हॉस्पिटल है ईटानगर का। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, ये है ईटानगर का सुबह सुबह का नज़ारा। यहाँ में भी एक सेपा का गाड़ी है, मिनी बस है, लेकिन ये ईटानगर टू सेपा। और हम जो ढूंढ रहे, हम तो बस से जा रहे हैं। हनुमान मंदिर में तो पहुँच गया, बस तो यही कहीं में होना चाहिए, यहाँ में होगा बोला था। हमको बस से ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, बस में आराम से बैठ सकते हैं। सुमो सबसे ट्रैवलिंग करना इतना मज़ा नहीं लगता है, बहुत टाइट होता है। यहाँ में तो बस बहुत है, लेकिन ये वो नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं, ये तो आलो का है। तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा है बस, चलो ढूंढ के देखते हैं उसमें भी है। यहाँ तक तो पूरा देख लिया, अभी तक सेपा का गाड़ी नहीं मिला है हमको, काम ही होगा, नीचे में ही होना चाहिए। आलो तेजू उसमें रोइंग का है, वो वाला तेजू का है। तो ये है सेपा का बस जो अभी आया है। ये है सेपा का बस जो 6 नंबर काम है। हाँ, ये 1 2
3, 4, 4, ये है क्या? और 5, 6, ये है मेरा 6, और बस तो इस तरह दिख रहे हैं। तो अभी टाइम 6 बज हो गया, तो ईटानगर से निकलना शुरू कर रहे हैं। अभी टाइम जो 7 बज हो गया, और ये है ISBT, वहाँ में एक छोटा सा दुकान है। यहाँ से इस तरह दिखते हैं ये सब काउंटर, टिकट काउंटर ऐसे दिखते हैं। तो सब बस यहाँ में आके रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकालते हैं। और वहाँ में टॉयलेट बाथरूम है, अभी मेरा पेट दर्द हो रहा है, पहले भी दर्द हो रहा था, थोड़ा पेट अभी दर्द हो रहा है। तो अभी हम बस में आराम से बैठेंगे। तो ये है बस, जो ये जो अंकल जो ये सेपा का है, और आप कौन सा बस दिखे अंकल? सेपा कौन सा? सेपा सेपा, ओ सेपा नहीं है, सेपा सेपा। SEBA बस्ती का नाम ना? हाँ बस्ती। ओ सेवा, ये सेवा बस्ती का, ये तो सेवा टाउन नहीं जाएगा, हम टाउन तक जाएगा। ये अंकल हमको बताते जाएगा अभी रास्ता बीच बीच वाला ना अंकल। हम दोनों आगे में बैठ रहे हैं, अभी पीछे में बैठ के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम आगे में आ गया केबिन में। अभी केबिन में बैठ रहे हैं ये अंकल का साथ जो। ये है अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्रांसपोर्ट, इस तरह दिखते है। निकल रहे टाइम जो 7:30 हो गया। दिन पहले ये ब्रिज गिरा है, ब्रिज टूट गया, पछता भाई नाम का बात, एक ब्रिज पूरा टूट गया है। न्यू से बने वाला ब्रिज था, लेकिन टूट गया। क्या बस्ती है? बस्ती का नाम क्या है?
गोवा, ये अभी गोवा बस्ती है। गोवा गोवा सा रुका हुआ है। यहाँ में सब्जी ले रहे आदमी लोग, ये है यहाँ का लोकल मार्केट। मैं रास्ता में ऐसे भेज रही है। थोड़ा जीरो जैसे ये प्लेस थोड़ा जीरो बहुत सुंदर है। जीरो कैसे भी सुंदर होता है। हाँ जीरो तो बहुत सुंदर है ना, जीरो भी लेना बहुत सुंदर है। कॉलोनी का रास्ता है ना, ये सब होटल है ना। तो अभी टाइम जो 11:40 हो गया, 12 बजे होने वाला है। सुबह 6 बजे से निकालने वाला। अभी यहाँ में खाना खाएगा, खाना वाना खाएगा। उसमें भी होटल है, उसमें भी होटल है। वो सब में सब्जी वो सब बिक्री कर रहे घर यहाँ में। उसका बाद यहाँ में रेस्टोरेंट है, यहाँ में हम चौमिन मंगाए। ये होटल
बहुत फ्रेश देखने। तो ये है जो ये है चाउमीन। तो यहाँ में मार्केट जो और ड्राइवर भाई अभी गालो है और काम्बा खाए बोले, उसको बात करते करते उसका हम दोनों पहले बात किया था, उसका पत्नी भी अतई है बोला है। हम दोनों गालो भाषा में बात करके वहाँ में बैठ रहा था। अभी का चाउमीन का आया वाला जो 100 है बोला है, बहुत दाम है, पर यहाँ से बहुत दूर भी है, ये दाम भी होता होगा। ये है यहाँ से इस तरह दिखता है, यही था। हाँ तो ये जगह से अभी से वह 55 किलोमीटर है। और ये है आपका नाम क्या है? हम दोनों सीधे बैठ रहे हैं, नाम बता दो। 12 एम्पो। ये से पढ़ाई है ये मम, तो हमको प्लेस वो सब जगह को बता रहे हैं। ये प्लेस का नाम क्या था? रिलो बस्ती। ये है सबा बस्ती। ये अंकल का बस्ती है। तो ये रहा सामान दादा अंकल। ये इसका बस्ती है सेवा बस, क्या बोला है? सदिया। उसका बस्ती है। तो यहाँ से व्यू इस तरह दिखती है, बहुत सुंदर है। तो ये कौन सा बस्ती है? अभी का सेम है क्या? अभी सेम है। ओ पाओ विलेज है। तो पाओ विलेज बस्ती का रास्ता यहाँ से जाते नीचे में बस्ती। यहाँ में दुकान है। तो पहले का बस्ती वो वाला है पाओ विलेज बोला है। पाओ विलेज बाहर ही बाहर। और ये है पानी के दिल। अभी यहाँ में दान लोग पकने वाला है, हम लोग का तो हो गया। और यहाँ में बाहर के लिए पहाड़ की थी और ये पानी की थी। हम यहाँ में आराम से बैठ रहे हैं। हम आसाम रास्ता में जा रहे हैं जैसे लग रहा है। फिर से कौन सोचा था इतना सेवा में पार होता हुआ हम सोच रहा था, लेकिन यहाँ नहीं, देखो इतना प्लेन है। और ये सब में पानी की थी। हम सेवा पार होता हुआ सोच रहा था, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं साइड में पहाड़ है। उसके बाद बीच में प्लेन हो रहा एरिया में सब पानी के लिए, बहुत सुंदर है। हम एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ में दान लोग पक गया, तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। हम सही टाइम पे आए यहाँ में। यहाँ में फिश पॉन्ड भी बहुत है, तो कुकरी फिश पॉन्ड बहुत है यहाँ में। ये अभी न्यू से बनने वाला है यहाँ से। तो ये है डिम ट्रोली रास्ता और बाद में बन जाने से वहाँ से जाएगा। और ये अभी के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और ये नदी वहाँ से होके आ रहा था, पूरा पहाड़ से घूम के आ रहे हैं। फिर यहाँ से ऊपर साइड से
होला है कामिंग रिवर ना तो फाइनली अभी हम सेपा में आ गया है। यहाँ में हम 2 बजे को पहुँचा था। यस, ईटानगर से यहाँ में सेपा का रास्ता तो बहुत ठीक है, उसके बाद नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। रास्ता में सब में नेटवर्क पकड़ रहा था, बहुत अच्छा है। और यहाँ में टाउन में तो रास्ता नेटवर्क कैसे होता है वो तो पता नहीं, अभी तक हम अभी आए तो पता नहीं वो सबको, तो उसको हम कल बताएगा टाउन में नेटवर्क कैसे होता है, उसके बाद कौन कौन सा नेटवर्क यहाँ में चलता है वो सबको हम कल बताएगा। तो हम 1-2 दिन से अच्छे से नहीं सोए, तो अभी हम नहा के अच्छे से आराम से सो जाएगा। ऐसे भी हम 1-2 दिन से अच्छे से नहीं सोए, घर में आते समय वहाँ में अच्छे से नहीं सोए, उसके बाद गाड़ी में भी अच्छे से हम नहीं सोया था और वहाँ में ख़राब होते समय। उसके बाद ईटानगर कल शाम भी 4 बजे, कल भी 4 बजे से होता है, बहुत नींद लग रही है। तो मैं कल आप लोग को मैं सेपा को दिखाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, तो आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही रख देता हूँ। तो आपको मैं मिलता हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में।